गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक क्लास। आई होप यू ऑल आर फिट फाइन सेफ एंड हेल्दी एट योर होम्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर इन सोशल स्टडीज। दिस चैप्टर इज ऑल्सो रिलेटेड विद इंडिया इटसेल्फ। इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट ग्रेट हिमालयाज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। सो बिफोर स्टार्टिंग, फर्स्टली लेट्स डिस्कस दैट वॉट आर प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स आर द लार्ज एरियाज, जो लार्ज एंड फ्लैट एरियाज दैट जनरली डज नॉट चेंज एंड इट हैज वेराइटी ऑफ ट्रीज। फ्लैट एरियाज जो जल्दी चेंज नहीं होते हैं। ओके, हम ह्यूमंस डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पर रहते हैं, डिफरेंट वेज से रहते हैं। हर जगह हमारा वे ऑफ लिविंग अलग है। द पीपल हु आर लिविंग ऑन हिली रीजन्स, दे वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेस, डिफरेंट फूडिंग होती है, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, डिफरेंट क्लोदिंग होती है, सब कुछ डिफरेंट होता है। एंड वी आर लिविंग ऑन प्लेन्स। ऑल्दो द लाइफ ऑन प्लेन्स इज वेरी ईजी एंड सिंपल, हमारी लाइफ लिविंग कंडीशंस मच बेटर हैं देन दोज हु आर लिविंग ऑन हिली एरियाज। हिली एरियाज में दे कैन फेस एनी ऑफ द नेचुरल कैलामिटी। कभी भी वहाँ पे कोई भी आपदा आ जाती है। हम जनरली देखने को हमें मिलता है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर फट गया, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई, फ्लड्स आ गए, ऐसे ऐसे हमें नेचुरल कैलामिटीज सुनने को मिलती हैं। बट इन प्लेन्स, हमारे प्लेन रीजन्स में, हमें नॉर्थ साइड में प्लेन्स में ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कैलामिटीज अकर नहीं होती हैं। जनरली हमारा जो एरिया होता है वो बहुत ही बेटर लिविंग कंडीशंस हैं देन अदर एरियाज। वी कैन ग्रो क्रॉप्स, एनी क्रॉप ईजिली, वी कैन बिल्ड हाउस एंड वी कैन इवन, आवर लैंड इज़ वेरी फर्टाइल। हम लोग कोई भी क्रॉप जनरली ग्रो कर सकते हैं, हमारे हाउसेज ईजिली बिल्ड हो जाते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं होते हैं, ईजिली वी कैन बिल्ड, है ना। एंड वॉट इज द मेन डिफरेंस? द मेन डिफरेंस इज कि हमारा लैंड बहुत ही फर्टाइल होता है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। जो ज़मीन होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। हम जो भी ग्रो करते हैं वो ईजिली ग्रो हो जाता है। तो इन इंडिया द प्लेन्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ साइड। नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स के साउथ में लोकेटेड है और ये नॉर्दर्न इंडिया के, नॉर्दर्न इंडिया के मेजर पार्ट्स को कवर करता है। इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब इन वेस्ट, वेस्ट में पंजाब से लेके असम इन ईस्ट, असम इन ईस्ट यहाँ तक का एरिया कवर करता है। इसमें कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं? इसमें स्टेट्स आते हैं आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड। पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड आप कैसे कह सकते हो? लाइक वेन एवर यू गो टू नैनीताल, रास्ते में आपको क्या पड़ता है? हल्द्वानी, उत्तराखंड रीजन में आता है। लेकिन वहाँ से हमें सिर्फ पहाड़ दिखना चालू होते हैं, वी कैन सी माउंटेन्स, बट वो प्लेन एरिया में आता है। तो दैट इज़ वाई सम पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम, हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स की लैंड बहुत ही फर्टाइल है एंड ईजिली, बिकॉज क्यों फर्टाइल है? क्योंकि ज़्यादातर पार्ट ड्रेन्ड है बाय द रिवर गंगा। ज़्यादातर पार्ट रिवर गंगा ने कवर कर रखा है, इट इज़ ड्रेन्ड। ओके, इसीलिए इन एरियाज को गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। दैट इज़ वाई दीज एरियाज आर ऑल्सो कॉल्ड एज गंगेटिक प्लेन। अपार्ट फ्रॉम रिवर गंगा, रिवर गंगा के अलावा देर आर मैनी अदर स्मॉल रिवर्स जो फ्लो होती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। कौन कौन सी रिवर्स हैं? यमुना, घाघरा, गंदक, कोसी एंड ब्रह्मपुत्रा। ये सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम हिमालयन माउंटेन। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयन माउंटेन। वेयर एज कुछ और भी रिवर्स हैं जो राइज कर रही हैं फ्रॉम द हिल्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जो हिल्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू से राइज कर रही हैं? दे आर चंबल, बेतवा एंड सन। ये रिवर्स अपने साथ जब बह रही हैं, व्हेन दे आर फ्लोइंग, दे ब्रिंग न्यूमरस ऑफ सैंड पीसेस, रॉक्स विद देम। ऑब्वियसली व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम हिमालयन रीजन, जब हिमालयन माउंटेन से वो फ्लो हो रही हैं तो इतनी स्पीड में फ्लो होती हैं, आराम आराम से तो फ्लो होती नहीं है। व्हेनेवर यू विल गो टू हरिद्वार, जब भी आप वहाँ नहाने जाते हैं, है ना,
तो व्हाट वी सी कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चेन्स बंधी हैं एंड गंगा नदी कितनी तेज बहाव में बहती है, चेन्स बंधी हैं, लोग चेन पकड़ के नदी में उतरते हैं ताकि वो बह ना जाए, है ना। तो दैट इज़ वाई दैट रिवर इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयन माउंटेन, एंड वेन इट इज ओरिजिनेटिंग, जब वो आ रही है तो वो अपने साथ ढेर सारा सैंड, रॉक, मड लेके आती है, एंड दैट दीज द फाइंस सिल्ट जो ये अपने साथ ला रही है, ये सिर्फ गंगा रिवर नहीं बाकी रिवर्स भी जो अपने साथ लेके आ रही है, दे ऑल स्प्रेड एंड दे फॉर्म अ सॉइल दैट इज नोन एज एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये एक ऐसी मिट्टी बनाते हैं जो बहुत ही दैट इज रिच इन फर्टाइल, वो मिट्टी क्योंकि वो पूरा टाइम पानी में है, तो दैट इज़ वाई वो मिट्टी इतनी अच्छी होती है, इतनी उपजाऊ होती है, उस मिट्टी में खेती करने में, क्रॉप्स ग्रो करने में सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। दैट सॉइल इज कॉल्ड एज एलुवियल सॉइल। बिसाइड एलुवियल सॉइल द प्लेन्स हैव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल्स। हमारे प्लेन्स में रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है, राइट। द रिच सॉइल एंड अबंडेंट वाटर हैव मेड नदन प्लेन्स वेरी फर्टाइल। हमारे नदन प्लेन्स को फर्टाइल करने में, इतनी हमारी ज़मीन को उपजाऊ करने में सबसे अच्छा मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है? द अलुवियल सॉइल विच इज़ कमिंग फ्रॉम दीज रिवर्स एंड द रेनफॉल, इट इज़ मेकिंग आर लैंड फर्टाइल। नाउ द नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इन थ्री बेसिन्स। थ्री बेसिन्स, बेसिन्स मीन्स घाटी, तीन घाटियों में डिवाइडेड है, द सतलज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। नाउ दीज बेसिन, अ बेसिन इज अ टोटल एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। बेसिन क्या होता है, ये घाटियां क्या होती हैं, टोटल एरिया जो रिवर के साथ कवर है, इन तीनों रिवर्स के साथ कवर है, यानी तीन घाटियां हैं, सतलज घाटी, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। क्लियर, इन घाटियों के साथ और स्मॉल ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदियां जो इनकी हेल्पिंग रिवर्स हैं, जो इनके साथ बह रही हैं, उनको कंबाइन करके एक बेसिन बनता है। क्लियर, नाउ वी विल स्टडी दीज थ्री बेसिन्स, दिस आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू, बाय।